मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के जैन मंदिर चौराहे स्थित डीपीएस होटल का है, जहां दो दिन पहले राजकुमार नाम के युवक ने 404 नंबर का कमरा बुक किया था और उसमें वो रह रहा था। राजकुमार रंगारेड्डी हैदराबाद का रहने वाला है, जो कि फिरोजाबाद जिले में फरीहा कस्बे में बैंक ऑफ इंडिया बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। राजकुमार ने दो दिन पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी। जब वो होटल के कमरे से नहीं निकला तो होटल के कर्मचारी ने रूम का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो होटल के रूम के दरवाजे को तोड़ा गया। राजकुमार रूम के बाथरूम में पड़ा हुआ है, जिसकी मौत हो चुकी है। थाना दक्षिण क्षेत्र है, जनपद फिरोजाबाद। यहाँ पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक होटल है, डीपीएस होटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कमरा नंबर 404 में एक व्यक्ति का मृत शरीर मिलने की सूचना पे पुलिस तत्परता से यहाँ पहुँची थी। जानकारी पे पाया गया कि ये जो व्यक्ति हैं, करीब 35 साल इनकी उम्र है, राजकुमार इनका नाम है, और यहाँ पे किसी बैंक में ये कर्मी थे, क्लर्क, अभी बताया जा रहा है शुरुआती जांच में। इनका मृत शरीर यहाँ पे मिला है। शरीर पे कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कोई खून नहीं है। मौत की खबर से एसएसपी अजय कुमार पांडे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और युवक राजकुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस इस पूरी घटना की गहराई से छानबीन कर रही है, लेकिन एसएसपी की माने तो प्रथम दृष्टया रूम का दरवाजा अंदर से बंद था, तो बाहर से कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी सभी पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए फिरोजाबाद से अमन जैन की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।